से मारुगोजु की एप्लीकेबिलिटी चेक करते हैं कि मारुगोजु बनता कब है, उसके डायरेक्शनल ट्रेड कैसे हो सकते हैं। ठीक है, ये हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, जैसे हमारा निफ्टी एक इंडेक्स है, ऐसी बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है। ठीक है, इसका हम लोग चार्ट देखेंगे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैंने लिया हुआ ये चार्ट। अभी देखो, इसमें अभी रिसेंटली जो ट्रेड सेशन रहा है हमारा 16 जून का, उसमें एक मारुगोजु बना। ये देखो, ये एक मारुगोजु बना, बियरिश मारुगोजु, एंड इसके बाद मार्केट ऑल द वे डाउन इस पॉइंट तक। ठीक है, अब जिस ट्रेडर ने इस पॉइंट पे ट्रेड लिया होगा, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, उसको इतना प्रॉफिट मिला। वैसे ये इंडेक्स है, इंडेक्स में हम लोग नॉर्मली जैसे स्टॉक में ट्रेड करते हैं उस तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते, इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको खाली मारुगोजु या फिर कैंडल्स की एप्लीकेबिलिटी बता रहा हूँ कि वो अपने चार्ट में, पूरे उस चार्ट में कैसे फॉर्म होती हैं, आगे जाके कैसा पैटर्न बनाती हैं वो। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे ये मारुगोजु बना था हमारा, इसने बिल्कुल परफेक्टली एप्लीकेबल हुआ, ये मारुगोजु बना बियरिश और ऑल द वे मार्केट डाउन। जो ये पॉइंट होगा इसमें, ये हम अपना स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेंगे। कोई भी अगर ट्रेडर इस पॉइंट पे ट्रेड लेगा, मारुगोजु का जो हाई साइड होगा वो मैंने आपको बताया था, स्टॉप लॉस हमारा एक्ट होगा। क्योंकि अगर बाय चांस मार्केट यहाँ से रिवर्स, जैसे ग्रीन कैंडल बनी ही थी, ठीक है, देखा जाए, ये देखो ग्रीन कैंडल बनी थी यहाँ पे, लेकिन अगर ये बाय चांस मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल थोड़ी बड़ी बनाता एंड फिर उसके बाद ऊपर निकल जाता, तो हमें ये लॉस देता हमारे, और हमें पता भी नहीं है कि वो कितना ऊपर जा सकता है। इसलिए ये हमारा, मतलब एक तरीके से एज पर रूल्स जितना हम चलेंगे उतना ज़्यादा बेटर है मार्केट में। तो ये हमारा रूल है कि हम लोगों को इस पे स्टॉप लॉस काटना ही काटना है अपना। बट अभी के लिए मार्केट हमारे फेवर में थी, इसलिए हम लोग प्रॉफिट कमा सकेंगे। अच्छा, ठीक है, और देखते हैं चार्ट इसमें, और देखते हैं मारुगोजु कहाँ पे बना है हमारा। सही, अगेन बियरिश मारुगोजु। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया होगा तो उसको ऑल द वे डाउन इतने का प्रॉफिट हुआ होगा। अभी मैं आपको स्टॉक में भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें देखो, इसमें समझ में नहीं आएगा कि कौन से लेवल पे शॉर्ट किया, कितने पे दोबारा बाई किया। अगर हम ऐसे भी समझ लें तो कुछ 20,900 के अराउंड शॉर्ट किया और 20,500 के अराउंड बाई किया, तो 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। बट ये प्रॉफिट अब ऐसे नॉर्मली ऑप्शन चेन में हम लोग अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा हमें, लेकिन स्टॉक में हम देखेंगे। मैं आपको एक स्टॉक का भी बताऊंगा ये चीज़, कैसे इसमें प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोग खाली इसका देखेंगे कि इसमें मारुगोजु एप्लीकेबल कैसे होएगा। ठीक है, इसमें भी जो ये वाला पॉइंट था, ये हमारा स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और देखते हैं और कहाँ बनाए। अगेन बियरिश मारुगोजु ऑल द वे डाउन। सी, ये हमारा बुलिश मारुगोजु बना। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर एक ट्रेडर ने ट्रेड लिया, ट्रेड लेते ही वो नीचे आ गया प्राइस का, लेकिन ये हमारा स्टॉप लॉस है, उसने इसको टच नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल बनी यहाँ पे, इसने टच किया इसको, नीचे तक आ गया, तो ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद भी मार्केट अप गई। तो ये सिनेरियोज़ होते हैं मार्केट में, मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा किसी किसी केसेस में, पर इतना रिस्क देखो लेना पड़ेगा हमें। हम लोग एज़ पर कैंडल्स चलेंगे, एज़ पर रूल्स चलेंगे तो 80% हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, 20% मार्केट में ऐसा होता है कि हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे होते हैं। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे एक बुलिश मारुबोजू बना, अगली ग्रीन कैंडल इसकी कंफर्मेशन, मतलब अगर कोई जो रिस्क टेकर है, रिस्क टेकर यहाँ पे ट्रेड लेगा और रिस्क अवर्स इस पॉइंट पे आफ्टर कंफर्मिंग दैट नेक्स्ट कैंडल इज़ अ ग्रीन कैंडल। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोबारा से रेड कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर दोबारा एक रेड कैंडल बनी, और इन दोनों का स्टॉप लॉस यहीं पे था, इस कैंडल का लो, दोनों का स्टॉप लॉस इसी पॉइंट पे था, स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड फिर मार्केट ऊपर चली गई। तो ये दोनों से, दोनों के लिए ये नेगेटिव बात थी, ये दोनों के लिए लॉस हुआ ये दोनों को। पर हमें वेट नहीं करना, हमें ये देखना नहीं है कि मार्केट, हाँ चलो कोई बात नहीं, हमें स्टॉप लॉस के पास आ रही है मार्केट हमारी, तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस नीचे ट्रेल कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना कभी भी, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता होता कि मार्केट कितना नीचे तक जा सकता है, और इसलिए जो स्टॉप लॉस हमारा है हमें वो एप्लीकेबल लेके चलना ही पड़ेगा, एज़ पर थ्योरी भी और एज़ पर प्रैक्टिकल भी। रूल्स के हिसाब से चलोगे मार्केट से कभी आउट नहीं होगे, कोई बात नहीं। अगर 100 में से हमारे पास खाली 80 रुपये रह गए, इट्स ओके, लेकिन ये अगर नीचे जाता है तो 100 के 100 पूरे ले जाएगा आपके, और फिर मार्केट में एंटर करना दोबारा, तो फिर आप डीमोटिवेट इतने हो जाओगे कि नहीं भैया छोड़ कोई बात नहीं, ट्रेडिंग हमारे लिए नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब ये देखो, सेम हमारा बियरिश मारुबोजू बना था, किसी ने यहाँ पे भी शॉर्ट किया था, अगर कोई यहाँ पे ट्रेडर है उसने इस पॉइंट पे शॉर्ट किया कि चलो ठीक है बियरिश मारुबोजू बना है, मैं इस पॉइंट पे शॉर्ट करूँगा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या रही, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, देन ग्रीन बनी, मार्केट अपसाइड गया। अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होता, ये वाला पॉइंट उसके लिए स्टॉप लॉस था, ठीक है, वो भी यहाँ पे हिट हो गया और मार्केट फिर अपसाइड। अब देखो, अगर कोई बंदा इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखता तो सही, लेकिन मार्केट अगर अपसाइड आ रही होती, वो इसको हटा के, इस पॉइंट को हटा के अपना स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल कर लेता, फिर मार्केट और ऊपर आ गई, फिर वो दोबारा ट्रेल कर लेता ऊपर की, नहीं कोई बात नहीं अभी इतना ऊपर आ रही है नीचे ज़रूर जाएगी, तो खुद देखो आपकी कितना ट्रेल कर लेता वो स्टॉप लॉस यहाँ तक का, इस पॉइंट तक का। अगर कोई बंदा उठा के सीधा स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे रख दे कि कोई बात नहीं स्टॉप लॉस में यहाँ तक का रखूँगा अपना, मार्केट इतना ऊपर आएगी नहीं, इतना आएगी नीचे चली जाएगी वापस, मेरे को फिर दोबारा प्रॉफिट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता, मार्केट तुम्हारा सारा पैसा ले जाएगी अगर तुम्हारे फेवर में नहीं है तो। तो एज़ पर रूल्स चलोगे, अभी तुमने खाली इतना सा दिया, नहीं स्टॉप लॉस रखते तो कितना देते, पूरा मतलब इतना, एज़ पर पॉइंट्स देखे तो 2500 से लेके 21200 तक ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का लॉस इफ स्टॉप लॉस नहीं रखते तो। अब किसी स्टॉक में देखते हैं, चलो स्टॉक लेट्स से HDFC, HDFC में देखें हम लोग, ये यहाँ तक का अभी तक ट्रेडिंग सेशन चल रहा है इसका, पीछे से ही चालू करते हैं, सी ये 15 मिनट्स कैंडल चार्ट है, 15 मिनट्स कैंडल चार्ट में मार्केट ने बुलिश मारुबोजू बनाया। अब आप कहोगे इसमें तो विक है छोटी सी, ये छोटी सी विक है इसमें, तो ये बुलिश मारुबोजू कैसे हुआ, तो इतना आपको देखो फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, मार्केट में इतना ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट आया था तो हम लोग इस पे ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे तो अपॉर्चुनिटी लूज़ करोगे। अब देखो यहाँ पर किसी ने ट्रेड लिया, मार्केट नीचे आया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया ऊपर गया, यहाँ तक किसी ने अगर टारगेट लगा रखा था तो स्टॉप, सबके टारगेट कटे, यहाँ पे सेलिंग हुई, मार्केट दोबारा नीचे आ गया इस पॉइंट तक, फिर नीचे मार्केट गया थोड़ा और फिर अब कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। अब एज़ पर स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट समझ आएगा, ये देखो 950 के अराउंड लिया, अगर मैं कहता हूँ 970 पे भी बेचा तो 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट इंट्राडे में काफ़ी होता है,
100 शेयर भी लिए इंटू 22,000 रुपीज़ प्रॉफिट विद इन विद इन टू एंड हाफ आवर्स। तो ये तो अच्छी बात है ना। और देखते हैं स्टॉक में, सी ये हमारा क्या है, बेयरिश मारुगोजू बना ये भी, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा ट्रेड 1020 एंड ऑल द वे लॉन्ग डाउन 990 तक, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ? 30 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट। सो इट्स अ गुड ट्रेड। अब आप देख रहे होगे मारुगोजू हमारा कहीं पर भी बने हमें प्रॉफिट देता है वो, अगर वो हमारे फेवर में वर्क कर गया तो। क्योंकि देखो ये ना ये डाउन ट्रेंड था, इसको इतने से को हम डाउन ट्रेंड तो नहीं कहेंगे। डाउन ट्रेंड होता है ये पूरा कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड आया देन अपसाइड वर्क किया, ठीक है। तो ये कहीं पर भी बन सकता है मारुगोजू, इसीलिए हमें जो हमारी तीन बेसिक अजम्पशंस थी उसमें थर्ड पॉइंट जो हमारा था कि हमें प्रायर ट्रेंड देखना पड़ेगा हर कैंडल के लिए, तो ये उसकी एक्सेप्शन थी। प्रायर मारुगोजू में प्रायर ट्रेंड देखने की हमें नीड नहीं पड़ती। ओके सो अभी की वीडियो में खाली इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताएं। और आप खुद भी प्रैक्टिस करना कि मारुगोजू कैंडल ढूंढने का, चार्ट्स में कोई सा भी शेयर उठा लो, मारुगोजू कैंडल को आइडेंटिफाई कर, आप चार्ट स्टडी करोगे आपका आपकी प्रैक्टिस होगी उस चीज़ से, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं ट्रेड लेना ही चीज़ है, पहले सीखना चाहिए हमें, फर्स्ट लर्न देन अर्न, ये तो कोर्स सब नहीं पढ़ा है, तो ऑब्वियसली पहले सीखो फिर कमाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।